हाँ गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग एकदम मस्त। तो दोस्तों अभी उठाऊँ सो करके और बढ़िया नींद आई है रात को। और मैं अगर दिखाऊं तो मैं कहाँ हूँ, ये मेरा रूम है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, सामने देख सकते हैं LCD लगी हुई है और अपनी ही वीडियो वहाँ पर चल रही है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये यहाँ पर अपनी वीडियो चल रही है। तो अभी उठे हैं सो करके और अब नहा धो करके फ्रेश होकर के चलेंगे कवर करने। लेकिन उससे पहले एक राउंड मुजफ्फरनगर का लगा के आऊँगा, कहाँ पर किसने क्या स्टैंडिंग लगा रखी है और किस किस का टीम सेटअप कितना तैयार हो चुका है। तो अभी वहाँ चलते हैं, तो बात करेंगे आगे चलिए रोड पर। ठीक है, रात गए थे हम अकेला किंग पर, अकेला किंग राजस्थान अशोक भाई का। तो वहाँ पर भी गए थे, उसको भी कवर करके लाए थे। तो पहले एक मिनट आप उसकी वीडियो देखो और उसके बाद फिर हम चलते हैं यहाँ से, आपको पूरी की पूरा सेटअप मुजफ्फरनगर घुमा के लाते हैं। तो देखो आप उसको और फिर चलते हैं मुजफ्फरनगर, वो भी देखना। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब, एकदम मस्त ना। तो दोस्तों अपना सफर चलता चलता पहुंच चुका अकेला किंग पे। मैं दिखाता हूँ आपको अकेला किंग। अरे तू सुन तो सही, कहाँ खड़ी। तो अपना सफर पहुंच चुका अकेला किंग पर और यहाँ ये आया, लेट आया दुरुस्त आया, वो वाली बात है कि लेट आया दुरुस्त आया। हाँ, और अब यहाँ पर इसकी प्रिपेयरिंग चल रही है। सामने आप साइडों में देख सकते हैं बेस लगने शुरू हो चुके हैं, दोनों तरफ आप देखें इधर भी और इधर भी बेस लगने शुरू हो चुके हैं। तो ये है राजस्थान का अकेला किंग और ये वही डीजे है जिसको मैंने अभी कुछ ही दिन पहले पूरा दिखाया था और बहुत सारी वीडियो इसकी डाली थी, अशोक भाई का अकेला किंग राजस्थान वाला। हाँ, तो भाई का भी नाम कुछ अलग ही चल रहा है और मुजफ्फरनगर में बहुत सारी पब्लिक को इंतजार था कि भाई अकेला आ रहा, पहली बार अकेला आ रहा मुजफ्फरनगर, तो क्या दिखाएगा ये तो कल पता लगेगा। लेकिन लोगों में बहुत तगड़ा क्रेज बना हुआ है कि भाई अकेला किंग आ रहा है, कुछ ना कुछ दिखाएगा। तो लोगों के साथ एक, जैसे कहते हैं ना कि एक कोई चीज होने से पहले बहुत बड़ी इमेज बन जाती है, तो वो इमेज बन चुकी है यहाँ पर अकेला किंग की। और माल देख सकते हैं, ये चीजें अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, ये देखो पूरा का पूरा सेटअप, ये सारी पेस वगैरह यहाँ लगेंगी और काम चल रहा तगड़ा करके। भाई लगा पड़ा है पेच कस लेके कसने में। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये भाई लोग भी लगे हुए हैं कनेक्शन वगैरह करने में और अपने अशोक भाई खुद लगे हुए हैं। ये चीज़ मुझको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि जब खुद जो डीजे मालिक होता है, ओनर होता है ना, और जब वो खुद लगता है तो मुझे सबसे ज़्यादा संतुष्टि उसी टाइम होती है। कि ये नहीं है कि अपने स्टाफ के ऊपर छोड़ दिया काम या कुछ छोड़ दिया, तो जब खुद लगता है ना तो आदमी मज़ा अलग ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी फिलहाल इतना ही दिखाते हैं, पूरा सेटअप जब तैयार हो जाएगा तब दिखाएंगे। तब तक के लिए आप और चलते हैं अब किसी और जगह, कोई दूसरा डीजे सेटअप दिखाते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो पर, एक नई प्लेस पर, एक नई जगह। तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग, एकदम मस्त ना। तो दोस्तों एक नई वीडियो, एक नई दिन की शुरुआत के साथ। और सबसे पहले अभी सो तो क्या है, फटाफट सबसे पहले आए हम चौधरी के पास, क्योंकि जो अपना रेजिडेंस है, जो अपना घर है, वो चौधरी जहाँ पर रुका हुआ उसी के पास। तो यहाँ पर टेस्टिंग लग रही है और इधर रथ भी आ गया तैयार होकर के। यहाँ की अगर बात करें तो देखो रथ भी, सुंदर रथ, भव्य रथ भी तैयार होकर के आ गया है। और अगर मैं तैयारी की बात करूँ तो भाई साहब 24 घंटे हो गए इस चीज को तैयार होते होते, पता नहीं क्या निकलने वाला, क्या है लोग करने वाले हैं कि तैयारी चली जा रही है। और फाइनल लुक की तरफ को आ चुका है। और दोस्तों चलते चलते अपना कारवा पहुंच गया है UP 12, देख सकते हैं आप UP 12 ने यहाँ पर अपना एक सेटअप लगाया, छोटा सेटअप लगा रखा अकॉर्डिंग 2023 के मुकाबले। अगर बात करें 2023 के मुकाबले की तो छोटा सेटअप लगा रखा और ये सेटअप लगा रखा सिल चौक पे, यहीं पर पीछे सिल चौक है, तो यहीं पर ये सेटअप लगा हुआ है। हाँ, तो बने रहना आप लोग, बने रहना वीडियो पे, पूरा का पूरा दिखाने वाले, पूरा मुजफ्फरनगर कवर कर डालेंगे आज हम, पूरा मुजफ्फरनगर कवर डाले हैं। और देखो किस किस को दिखाते हैं, तो शुरुआत कर दी है, अभी एक चक्कर वैसे ही लगा रहे हैं, उसके बाद नहा धो के फ्रेश होके आएंगे और बढ़िया तरीके से दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग अगेन दोस्तों, और कारवा चल पड़ा है, सुबह हो चुकी है और आज बहुत बड़ा ओकेशन है, बहुत बड़ा दिन है, बाबा का जन्मोत्सव है बालाजी धाम। यहाँ पर मुजफ्फरनगर में मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरी की पूरी अपनी सीरीज, और इसी सीरीज में मैं पहुंच जाता हूँ सुबह सुबह धड़कन के पास। और ये धड़कन रात आया नहीं था, अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे लेट आया है यहाँ, अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो सबसे लेट आया था रात, क्योंकि अनुज भाई की धड़कन की बुकिंग थी, कल दिन की भी थी और रात की भी थी, तो दोनों बुकिंग को कवर करने के बाद ये रात को लेट आया, तो इसलिए अभी तैयारी चल रही है लेट आने के कारण।
नहीं तो ज्यादातर डीजे सेटअप 90% तैयार हो चुके हैं, बस सबकी टेस्टिंग लगनी बाकी है और यहाँ पर भी फाइनल की तरफ चलता हुआ काम। तो ये है धड़कन, सबके दिलों की धड़कन, मेरठ का धड़कन डीजे अनुज गुज्जर। और ये भाई लोग खड़े हैं यहाँ, कमेटी वाले सारे के सारे। सोए भी थे थोड़ी बहुत देर? नहीं जी, सोए थे थोड़ी बहुत देर? नहीं सोए, सोने का टाइम कहाँ मिला। और ये धड़कन यहाँ पर तैयार हो रहा है, दिखाएंगे पूरा पूरा जब टेस्टिंग लगेगी, जब पूरा दिखाएंगे। और इसी कड़ी में अगर यहाँ की बात करूँ तो इधर खड़ा है रतन, यहाँ तैयार हो रहा है रतन। ये भी लेट आया था रात, तो ये भी क्योंकि मैं जब आया था भंडारा चल रहा था तो तब ये भी नहीं आ पाया था उस टाइम तक पार्टी के बाद, और अब इसी की भी तैयारी चल रही है। तो एक गाड़ी से माल दूसरी गाड़ी में लग रहा है और थोड़ा आसान भी हो जाता है ऊपर वर्क करने के लिए अगर आप गाड़ी के ऊपर चढ़ के काम कर रहे हैं। तो दोनों की दोनों गाड़ी इन लोगों ने यहाँ पर लगा रखी है। तो ये रतन है, यहाँ पर रतन है और वहाँ पर धड़कन है। तो दोनों डीजे सेटअप आप देख सकते हैं यहाँ पर। अपना सफर चलते चलते आ चुका है। बढ़िया भाई, बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया भाई, एकदम। आप सुना? बस ठीक है जी। और इस बार कम ही लगे हैं यार, स्टैंडिंग क्या बात? स्टैंडिंग में कम है इस बार। हाँ, स्टैंडिंग में कम है। और लेकिन नया आया तुम्हारे यहाँ मेरठ में राजा मुजफ्फरनगर मेरठ का, साउंड की दुनिया को जनाने वाला तो यही है, यही है पहला बंदा। तो कवर करते हैं। तो दोस्तों जैसे भैया अभी मिले यहाँ अपने सब्सक्राइबर मिले अभी, और मैं जैसे बता रहा हूँ कि साउंड की दुनिया में अगर नाम कमाने वाला कहो या स्टार्टिंग करने वाला तो वो ये है राजा साउंड। और बहुत लंबे टाइम बाद देखने को मिला है, बहुत लंबे टाइम बाद देखने को। नहीं तो क्या होता था कि जब हम लोग कावड़ जाते थे तो हाँ आपका मोदीपुरम करनी हाँ, तो यहाँ देख सकते हैं आप राजा। तो याद आ गया, बहुत पुराना टाइम याद आ गया, जैसे आपका मोदीपुरम खड़े होते थे वहाँ पर और पूरी की पूरी दीवार लग जाती थी, तो वही टाइम फिर दोबारा से याद आ गया राजा राम वालों का। तो एक गजब का ही लुक बना दिया और पूरी दीवार खड़ी कर दी है। JBL के स्पीकर हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, हाँ पूरी लाइटिंग लगी हुई है और शाम के टाइम क्या जलवा निकलने वाला वो देखेंगे। तो पीछे का सेटअप दिखाऊं तो पूरा गजब का सेटअप लगा रखा है भाई ने, और यहाँ स्टेज होने वाला है, इस पे यहाँ पर कमेटी बैठने वाली है या कुछ ना कुछ प्रोग्राम यहाँ पर होने वाला है। इधर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बैठे हैं, तो एंट्री हो चुकी है राजा राम की। तो पूरी रात लग गई होगी दोस्त, है ना? मिलेंगे आप लोगों से थोड़ी बहुत देर में, आके मिलेंगे हम लोग। बिल्कुल भाई, आप पहचान नहीं रहे, कावड़ में हमने आपको बिठा के वहां से लिफ्ट दी थी, कावड़ में। नहीं नहीं नहीं, देखो भैया सॉरी, माफी चाहूंगा, है ऐसे कुछ नहीं है। तो भाई लोग हैं और क्योंकि बहुत लोग मिलते हैं तो कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा वो रह जाता है। बाकी आप प्रॉपर यहीं मुजफ्फरनगर से, है ना? हमने बुक किया हुआ है। आपने बुक किया हुआ है? मैं आऊँगा अभी, अभी तो सिर्फ वैसे ही आए थे, दौरा मारने कहाँ कहाँ क्या क्या है, बिल्कुल आऊँगा अभी थोड़ी देर में। अरे भाई हाँ, बढ़िया 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 एकदम। तो दोस्तों देख सकते हो जैसे मैं दिखा रहा था, तो एंट्री दोबारा से ले लिया मार्केट में और गजब की एंट्री होने वाली है। और जैसे अब बजना शुरू होगा ना तो आपको दिखाएंगे कुछ टहलका ही मचेगा, बिल्कुल मचेगा ना, बिल्कुल मचेगा। तो पूरी बात दिखाएंगे थोड़ी बहुत देर में, आएंगे दोबारा से तब दिखाएंगे फिलहाल। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अपना चलता चलता कारवा, नगर पालिका परिषद है पीछे, अगर मैं बात करूँ यहाँ की अगर देखो तो नगर पालिका परिषद है और यहीं पर लगा हुआ पंजाब। तो इस रोड पर ज़्यादातर आपके जो स्टैंडिंग में लगे हुए, पीछे मलिक भी था हाँ, और ये पंजाब लगा हुआ है। मैंने पिछली बार भी दिखाया था, तो ज़बरदस्त कंपटीशन बजता है जब यहाँ से यात्रा निकलती है, तो ज़बरदस्त ही कंपटीशन बजता है। तो सारे दिखाएंगे एक एक करके हम लोग, बिल्कुल दिखाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा चलते हैं, जल्दी है। तो अभी फ़िलहाल अपने हाथी के साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लक्ष्मी डीजे मुजफ्फरनगर, हाँ लक्ष्मी डीजे मुजफ्फरनगर है ये, और इन लोगों ने भी अपना सेटअप बांध दिया है, हाँ पूरा देख सकते हैं क्या लगा रखा क्या नहीं लगा रखा। इस चीज़ में मैं नहीं पढ़ता हूँ, हमेशा बताता हूँ कि मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ता हूँ। हाँ ये लक्ष्मी है और देख सकते हैं आप, ये है लक्ष्मी डीजे मुजफ्फरनगर। तो यहाँ पर भी इन लोगों ने भी सेटअप बांध दिया अपना, और तैयारी सब लोगों की ज़बरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है। तो लक्ष्मी साउंड, लक्ष्मी डीजे साउंड, ये आगे भी इन लोगों ने अपना पत्थर बेस और रोप वगैरह लगा करके रख दिए जिससे गाड़ी ना उठे। और अभी कुछ ही समय में ये सारे के सारे लाइन अप हो जाएंगे जा करके, हाँ मंडी के अंदर चले जाएंगे सब एक सब। तो फाइनल चल रहा है अभी इन लोगों का यहाँ पर। तो ये है लक्ष्मी साउंड और बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। और जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि बस ये लास्ट है, अब मैं चलता हूँ घर। कैसे भाई? बढ़िया सर, हाँ भाई आ गए हैं।
तो यहाँ लक्ष्मी है और हम चलते हैं अब। और दोस्तों यहाँ पर तैयारी हो रही है बोनी डीजे। बोनी डीजे भी एक अपने आप में एक ब्रांड नाम है, उसकी तैयारी चल रही है। तो पूरी वीडियो तो हम बाद में दिखाएंगे क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि हम लोग दिखा रहे हैं कौन कहाँ पर खड़ा हुआ है, शहर में क्या क्या तैयारी हो रही है और कितना तैयार सेटअप हो चुका है। तो मिलेंगे दोस्तों थोड़ी बहुत देर में। तो वीडियो को लाइक करें बिना ना जाएं, कमेंट करके जरूर बताएंगे आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो जय बालाजी महाराज।